लेकिन मैंने पहले कहा चरित राम के सगुन भवानी। कैकेयी माता को लोग बुरा भला कहते हैं। आज आप ना कहो तो भी आप ये मानते कि गड़बड़ी तो है, इसीलिए कोई अपनी बहन बेटी का नाम ही कैकेयी नहीं रखता। कौशल्या नाम मिल जाएंगे, सुमित्रा नाम मिल जाएंगे, पर कैकेयी नाम। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहूं, फल से वृक्ष की पहचान होती है। उत्तम फल जिस वृक्ष में लगे वो वृक्ष भी उत्तम होता है। भरत ऐसे महात्मा को जन्म देने वाली माता महान है। पहली बात तो ये कि राम जी के बन जाने में कैकेयी माता दोषी नहीं है, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं भगवान राम ने कही है, दोष दे ही जननी जड़ ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही, जो सत्संगी नहीं है, गुरुओं के भक्त नहीं है, वही कैकेयी माता को दोष देंगे। क्यों? अरे चलो हिसाब लगा, माता कैकेयी ने प्रेरणा दी दशरथ जी को राम जी के 14 वर्ष के लिए बन गए, ठीक है, लेकिन थोड़ा और पहले आओ। कैकेयी जी को प्रेरणा दी मंथरा ने, और मंथरा को की बुद्धि बदल दी सरस्वती माता ने। अच्छा जरा ध्यान रखना, दशरथ जी को प्रेरित किया कैकेयी जी ने, कैकेयी जी को प्रेरित किया मंथरा ने, मंथरा को प्रेरित किया सरस्वती माता ने, और सरस्वती जी का प्रेरक कौन है? शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर ज्ञामी। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती माता को। अब हिसाब लगाना, राम जी से शुरुआत हुई सरस्वती की, सरस्वती जी ने मंथरा को, मंथरा ने कैकेयी जी को, कैकेयी जी ने दशरथ जी को, वनवास किसका हुआ? राम जी का। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राम जी के बन जाने में राम जी कारण है, फिर कैकेयी माता क्यों है? अच्छा चलो मान लो कि कैकेयी माता ने बन भेज दिया, तो ये बन जाने का कार्यक्रम आज का बना हुआ है कि पहले ही बना हुआ है? देवर्षि नारद जी ने तब श्राप देकर कहा था कि तुमने राजा का शरीर बनाकर मुझे छला है, तुम राजा ही बनो, मेरा विवाह नहीं होने दिया, तुम पत्नी के विरह में रोओगे, बन बन भटकोगे, और बंदर का चेहरा तुमने मुझे दिया, तुम्हारी बंदर सहायता करेंगे। ये श्राप दिया है नारद जी ने, अभी नहीं, बहुत पहले, और बहुत पहले दिए हुए श्राप के होने का समय अब आया। इसमें कैकेयी माता कहां दोषी है? लेकिन पोस्टमैन कोई चिट्ठी लेकर आए आपके रिश्तेदार की, और रिश्तेदार ने उसमें आपको गालियां दी हो, और पोस्टमैन लाके चिट्ठी दे, तो क्या पोस्टमैन की पिटाई करोगे कि तू ऐसी चिट्ठी क्यों लाया? इसीलिए दोष नहीं है कैकेयी माता का। हाँ लोक दृष्टि से लोग भले ही कहें, पर भाव की दृष्टि से दोष नहीं है। महाराज दशरथ और कैकेयी माता में विवाद, दशरथ जी राम जी को राज्य पद पर बिठाना चाहते हैं, युवराज पद पर बिठाना चाहते हैं, और कैकेयी माता ने कहा कि नहीं। तो दोनों अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, पर बात एक ही कर रहे हैं। किसी ने घड़ा बनाया, मिट्टी का घड़ा, और उसमें पानी भर देना चाहता है, लेकिन दूसरे ने कहा नहीं नहीं पानी मत डालो इसमें। अरे पानी नहीं डालो तो पानी के लिए ही तो घड़ा बनाया है, आप पानी अभी मत डालो, घड़े में पानी डालने के पहले घड़े को आग में डालो, जब घड़ा आग में पक जाएगा तो पानी डालने लायक हो जाएगा। श्री राम रूपी घड़े में महाराज दशरथ
राज्य का पानी डालना चाहते हैं, तो कैकेयी माता ने कहा कि राम रूपी घड़े को पहले वनवास की तपस्या से गुजारो, जब ये घड़ा पक जाएगा तब राज्य का पानी डालो। कहां कैकेयी माता की भूल है। इसीलिए भगवान राम लौटकर वहां पहले नहीं गए जहां महाराज दशरथ ने देह त्यागा था। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथम तास गृह गए भवानी, कैकेयी माता के भवन में गए। किसी ने कहा कि दशरथ जी ने जहां देह त्यागा वहां नहीं गए, कैकेयी माता के भवन में गए। राम जी ने कहा कि दशरथ जी ने देह त्यागा तो उन्हें यश मिला है, पर मेरी कैकेयी माता ने कलंक सहन करके मेरा काम किया है, इसलिए मैं उनके पास गया। और मुझे लगता है कि स्वयं गरल का पान किया पर जग को अमीय पिलाया, ऐसी माँ कैकेयी की महिमा जग ही जान न पाया। और कैकेयी माता ने अगर वन दिया है राम जी को, और मान लो वन न देती तो हम लोग क्या राम कथा से परिचित हो पाते, और आज श्री राम कथा इतने विशाल रूप में होती। कभी नहीं श्री राम कथा का मंगल महोत्सव न होता, और मंगल महोत्सव न होता तो मंगल मूर्ति हनुमान जी श्रोता न होते। भगवान राम सिंहासनासीन हुए, सोहे कनक सिंहासन सीता राम निहाल सजे, जिनके चरण कमल में सिर जी दास भाव